मैं एक पेशे से पत्रकार हूँ, तो हमारी ट्रेनिंग ही इस तरीके से होती है कि मैं कि पहले उसको एक ये जो एनईपी जो डॉक्यूमेंट आया है, जब से मैंने उसको कवर करना शुरू किया था, जब ये ड्राफ्ट स्टेज पर था, तब से एक डिस्टेंस मेंटेन करके कि देखना चाह रहा था कि किस तरीके से लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, जब आ रहा है किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक सारे जो यहाँ पर मंच पे बैठे हुए हैं वो पूरी तरीके से इस डॉक्यूमेंट में इन्वेस्टेड है और उनकी टेक्निकलिटीज के बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन मेरे लिए जो प्रमुख जो सवाल थे वो ये थे कि ये क्या कह रहा है एनईपी और आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका इसके क्या मायने हैं। तो जिस तरीके से ये एनईपी के डिबेट आगे आगे बढ़ा, कुछ लोग विरोध में बात कर रहे थे, कुछ लोग समर्थन में बात कर रहे थे, तो उसमें दो चीज़ें बातें एकदम सामने जो आई कि इसका समर्थन कौन कर रहे हैं, इसका समर्थन ये कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या संघ एफिलिएट्स जितने भी जो राइट विंग एजुकेशन और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बहुत ज़्यादा एजुकेशन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, और वो जो दूसरा जो ग्रुप है जो इसको बहुत जोरों शोरों से एनईपी को वेलकम कर रहा था वो है कॉरपोरेट ग्रुप्स। तो ये दोनों और विरोध में कौन खड़े थे, विरोध में जो टीचर्स स्टूडेंट्स जो जिंदगी भर एजुकेशन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टेड रहे हैं वही उस पे उसके विरोध में खड़े हैं, और उन एनईपी के जो अंदर के जो सारी जो बातें हैं जो टेक्निकलिटीज है उसको हाईलाइट कर रहे थे। तो ये सीधा सीधा एक तरीके से मेरे लिए एक एक सीधा एक पैटर्न बन गया था कि क्यों ये लोग कर रहे हैं इसका समर्थन, और क्यों जो जिंदगी भर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में जो अपनी सारी जिंदगी लगा चुके हैं वो क्यों उसका रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और इस दायरे के अंदर रहकर मैंने एनईपी को एक तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की। तो आप जिस तरीके से एनईपी अगर देखेंगे तो उसमें एक बड़ी डबल एज्ड बात है, जहां पर आप 2000 प्रोफेसर रतन लाल ने ये कहा कि किस तरीके से पुराने संस्कृति जो भारत का प्राइड और 2000 पुरानी साल संस्कृति जो है वो भारत की वापस लाना चाहते हैं, जहां पर ये जो सारी चीजें हैं वो आरएसएस और इस तरीके से जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको खुश करने के लिए कहा गया है, और वहीं पर ऑनलाइन एजुकेशन डिजिटल ग्लोबल पैटर्न्स 5+3+3+4 मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स और इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, तो उसको ग्लोबल पैटर्न के साथ कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट ग्रुप्स को जो प्राइवेट एजुकेशन जो इंडिया में ला रही है अभी उसके साथ एक अपने ये जो डॉक्यूमेंट अलाई कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जो इसका जो दोहरा चरित्र है जहां पर एक तरीके से आप जो सारी रिग्रेसिव बातें जो दक्षिणपंथी ताकतें करती हैं वहां तो वो है, और उसको इसी इस एजुकेशन मॉडल को किस तरीके से मोनिटाइज किया जाए, किस तरीके से एक तरीके से उससे प्रॉफिट कमाया जाए, उसको भी इस डॉक्यूमेंट में एड्रेस किया गया है। तो ये जो ये जो चरित्र है उससे चार पांच चीजें निकल कर आती हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। मेरे सामने तीन सवाल थे प्रमुख कि आज जो ये एनईपी लाया जा रहा है इसका आज के भारत के लिए क्या महत्व है, क्या ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो जाहिर सी बात है अगर कोई सरकार लाना चाहेगी तो वो इंडिया के जो अपने जो प्रॉब्लम्स है जो एजुकेशन सिस्टम में जो आज 70 साल से पूरा नहीं हो पाया है उसको एड्रेस करना चाहेगी, क्या वो कर रही है। इंडिया का सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो एक्सेस का है कि सारे जो गरीब हैं जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आते हैं क्या उनको इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अच्छा एजुकेशन एक्सेस होगा, या मतलब अच्छा एजुकेशन हो या ना हो क्या एजुकेशन ही एक्सेस हो पाएगा, क्या वो एनईपी इसको एड्रेस करती है, इस सवाल को मैंने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की। दूसरा ये है कि आज के जो कॉन्टेक्स्ट में पिछले जो 10-15 सालों से लगातार जो ये एक मास एजुकेशन सिस्टम था हम लोगों का कि जहाँ पर स्टेट की भारतीय गवर्नमेंट की और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाएंगे कि भारत जैसे जो लिटरेसी लेवल्स जहाँ पर बहुत लो है उनमें किस तरीके से लिटरेसी बनाया जाए,
एजुकेशन किया जाए उनको, तो ऐसे तो भारत का लिटरेसी रेट 77.8% के लगभग है, लेकिन हम जानते हैं कि उस लिटरेसी रेट का क्या महत्व है, कितने लोग उसमें पढ़ सकते हैं। कई सारे उसमें वैसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपना नाम हस्ताक्षर कर सकते हैं मगर एक लाइन ठीक से पढ़ नहीं सकते। क्या उस क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, ये कर रहा है ये एनईपी, तो वो भी एक बड़ा सवाल था। प्लस ये जो 15 सालों से धीरे धीरे जो एक प्राइवेट एजुकेशन, जो जहां पर एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर 1970 से कोटारी कमीशन कह रही है कि जीडीपी रेशियो के साथ 6% एजुकेशन सेक्टर में आना चाहिए, एनईपी जो इतना ग्रैंड डॉक्यूमेंट है और उसमें क्या इसी मतलब चाहे वो जैसा भी हो, क्या ये सरकार उस एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो 6% इम्प्लीमेंट कर रही है, उतना पैसा लगा रही है? तो सारे ही जो ये इसके जवाब निकल कर आते हैं वो पूरी तरीके से ये बताता है कि ये एनईपी एक हाई ऑन रिटोरिक जैसे लोगों ने कहा, लेकिन एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर इस एनईपी में क्या क्या बातें होती हैं, इसमें कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक हम 50% कर देंगे, लेकिन वो क्या ग्रॉस, आज स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन के लिए आरटीई एक्ट लेकर आया गया था आज से 10 साल पहले, और आरटीई एक्ट में एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया था, और उसमें 10 पॉइंट्स थे जिसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी, एक कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई थी कि जहाँ पे सारे लोग, हर क्लास के लोग, हर जाति के लोग एक जगह में एक यूनिवर्सल तरीके का एक एजुकेशन उनको मिले, एक क्वालिटी एजुकेशन मिला। क्या वो हुआ और क्या एनईपी के आने से ये चीज सुधरती है? बल्कि जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि आप अगर सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि नेशनल जो आरटीई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है जहाँ पे एजुकेशन, उसमें आरटीई एक्ट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसमें भी एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ झुकाव था, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी अगर हम स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन के को ध्यान में रख कर देखें। उसके भी जो 10 पॉइंटर्स है, 12.6% की आरटीई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है आज तक, आरटी मतलब सरकारी आंकड़े ही ये कह रहे हैं। कई सारे स्कूलों में जहां पे आरटी एक्ट में बात की गई थी कि हर स्कूल में टॉयलेट होना चाहिए, तो कई आधे से ज्यादा स्कूलों में अभी तक टॉयलेट नहीं है, जहां कहीं है टॉयलेट बहुत ही खराब हालत में है, या फिर मेल जो बच्चों जो लड़कों के लिए है जहां लड़कियों के लिए नहीं है। 11 लाख से ज्यादा टीचर्स जो है स्कूल में वैकेंसी है जो कि आज तक नहीं भरी गई है, और मेरे हिसाब से इसी तरीके की वैकेंसी हायर एजुकेशन में भी है। और पूरी तरीके से जो लास्ट 10 सालों में टीचर्स, इसमें एनईपी में बात की गई कि ट्रेन टीचर्स लेकर आएंगे बीएड, तब क्या सरकार ने बीएड के कॉलेजेस खोले? बल्कि पिछले 4 सालों में एनईपी के आने के बाद से भी जो सरकारी डिपेंडेंस ऑन पैरा टीचर्स है, जो कि जो शिक्षा कर्मी कहीं कहते हैं और जो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट कहती है, उसमें ज्यादा डिपेंडेंस हो गई है। और एजुकेशन बजट भी अगर देखा जाए जो आज से 2014 से पहले 4.8% था, 8% ऑफ द जीडीपी था, आज वो कम होकर 2.8% के लगभग है। तो आप देखिए कि जहां पे इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं एनईपी में, जहां पे एक ग्रैंड विजन दिया जा रहा है, अगर हम उसके सारे क्रिटिसिजम्स हटा भी ले तो भी क्या सरकार का एक सरकार का रवैया देखिए, क्या वो ऑनेस्ट है इसी को इम्प्लीमेंट करने में लिए? इसीलिए मेरे हिसाब से ये एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज है। और दूसरी और मुझे ये लगता है कि जो आरटीई एक्ट में जो कुछ चीजें जो गारंटीड थी, उसको एनईपी एक तरीके से और डाइल्यूट कर ले जाएगी, और एक तरीके से एनईपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाएगा स्कूल एजुकेशन के लिए जहां पर सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के उस आरटीई एक्ट को डाइल्यूट करने के लिए वो ये डॉक्यूमेंट का हवाला देगी कि आरटीई एक्ट अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके से एनईपी में एक बहुत ही बड़ा एक छोटे से कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड्स हैं उसमें वो यूज करेंगे। तो आप ये जो पूरा जो थ्रस्ट है बीजेपी गवर्नमेंट का और उससे पहले कुछ हद तक कांग्रेस गवर्नमेंट का भी, कि ये जो सरकारी स्कूलों को खत्म करके एक लो कॉस्ट एजुकेशन मॉडल लेकर आए स्कूल के लेवल पर,
तो आप वो 5+3+3+4 चाहे जो भी उसको नाम दे दीजिए, लेकिन सरकार अपनी अपनी तरफ से टीचर्स ट्रेन नहीं करेगी, अपनी तरफ से एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएगी, उसके उसके रिप्लेसमेंट में वो लोग इस तरीके से कॉरपोरेट या छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हर जगह में, आज आप कहीं पर भी भारत में जाइए, छोटे छोटे जगहों में बहुत ही प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं जो कि लो कॉस्ट है, 400-500 रुपए पर पर मंथ उनके उनकी फीस होती है, जो भी अनअफोर्डेबल है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरी तरीके से खराब है। जहाँ वहाँ पे ट्रेन, वहाँ पे कंप्लीटली अनरेगुलेटेड एक ये एक उन लोगों ने एक पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है, जहाँ पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, कोई भी रेगुलेशन नहीं रहेगा कि वो उस लो कॉस्ट प्राइवेट एजुकेशन जो स्कूलिंग जो हर जगह में छा जाएगी आने वाले 10 सालों में, और जो सरकार के जो स्कूलों को हम देख सकते हैं कि आपने ये ठीक पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, कम से कम सरकार चाहे जितनी भी भ्रष्ट हो उनका एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जब वो टीचर्स रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन देख कर कर रहे हैं, मगर यहाँ पर ये जो लो कॉस्ट ये कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड है और उसमें किस तरीके से ये हो, हाँ, तो वो चीज हमें देखना होगा। और दूसरा पक्ष जो मैं ये रखना चाहता हूँ कि एनईपी जो भारत की सरकार का अभी जो पूरी तरीके से एक जो सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसीज है उसमें परफेक्टली ये फिट हो रही है, इसीलिए क्योंकि आप पहले एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आती है और कई सारे स्टेट्स ने ये लास्ट 70 सालों में दिखा दिया है कि एक स्टेट का जो एजुकेशन है वो स्पॉन्सर्ड है, केरला हो चाहे ये बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो और आज दिल्ली भी एक हद तक, कि किस तरीके से अगर सरकार चाहे तो अच्छा कर सकती है, उसको वो हटाकर हर लेवल पे सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो कि प्रधानमंत्री खुद हेड करेंगे, यूजीसी वगैरह हेड करके HECI ले आए हैं वो लोग, जिसमें हम लोन उनसे लेना पड़ेगा वो पूरी तरीके से, तो ये सारा जो एक सेंट्रलाइजेशन का टेंडेंसी है वो पूरी तरीके से, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अगर कोई प्रोग्रेसिव चेंज करने की कुछ मनोकामना हो उसको भी खत्म करके पूरी तरीके से सेंटर के अधीन हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स भी तो आने वाले दिनों में। तो एक तरीके से जो लो कॉस्ट प्राइवेट एजुकेशन, आज हमारे पास प्राइवेट एजुकेशन के नाम पे अशोका यूनिवर्सिटी जिंदल जो कि अच्छा एक दे रही है, आने वाले दिनों में ऐसे छोटे छोटे यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा खुल जाएंगे। एनईपी का जो पूरा थ्रस्ट ही है वोकेशनल ट्रेनिंग का है, क्वालिटी एजुकेशन का नहीं है, मल्टीपल एग्जिट। तो पूरी तरीके से किस तरीके से ये जो आने वाले दिनों में जो लो कॉस्ट है उसमें क्वालिटी और खराब होगी मेरे हिसाब से, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और ये सारे जो दिक्कतें हैं इसको ध्यान में रख कर हमें एनईपी का अध्ययन करना होगा और फिर उसके बाद उस सवाल पूछना होगा। सवाल ये नहीं है कि आज क्या सरकार है और कल क्या सरकार है, ये जो पैटर्न है और वो एनईपी उसका जीता जागता एक तरीके से सबूत है मेरे हिसाब से, ये है एनईपी। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही दिखेगा।